गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आप अपना और अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस आजादी की पाठशाला इवेंट में। और दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, बचपन में जब हम पाठशाला जाते थे और पाठशाला में जब हम सीखते थे और जब हम उसको अप्लाई करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल हमारे स्किल सेट बढ़ता था। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी टीम में बहुत से नए लोग आते हैं एंड नॉलेज इज पावर, तो उस नॉलेज को यूटिलाइज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हम बात करेंगे, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करेंगे, वेल की वेल जो ऑलरेडी इसपे आप बहुत से ऑफर्स भी देख रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो वेल एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, हम ऐसे ही बात करेंगे वेल कैटेगरी के बारे में, और हम बात करेंगे इम्यून हेल्थ और बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखने के बारे में। और अगर मैं उसके बारे में आपसे बात करूं दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। यहाँ जो लोग जूम में आ सकते हैं, आपके नए लोग, आप उनको लिंक भेजिए। आपके जो लोग यूट्यूब पे इसको सुनना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब पे भी लाइव है साथ साथ, तो यूट्यूब पे भी आप इसके बारे में ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ इसका लिंक को शेयर करें। और वो सब लोग जो फायदा उठा सकते हैं इस सबसे, आप उनके साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम दो कैटेगरी की बात करेंगे वेल में, क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप का बीमारियों से बचाव करना। और बीमारियों से अगर बचाव करना है, तो दोस्तों ना सिर्फ मुझे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, बल्कि हमें अपने आप को भी फिट रखना है। जितने लोग यूट्यूब पे मौजूद है दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, कि हम में से कितने लोग अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, कितने लोग रोज झाड़ू लगाते हैं। मैं चैट पे भी आप लोगों को साथ साथ देख पा रहा हूं, ये सब में से कितने लोग। और दोस्तों, जैसे हम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने शरीर के अंदर भी झाड़ू लगाना, अपने शरीर को भी साफ रखना, अपने शरीर को भी अंदर से साफ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसी क्रम में आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने शरीर को अंदर से साफ रखने, और अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे काम आ सकता है। क्योंकि तो अगर मैं अंदर से साफ रहूंगा तो मेरी बॉडी ओवरऑल ज्यादा बेटर काम करेगी। वो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट है, जिसका नाम है वेल डिटॉक्स। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में और डिटॉक्स। यस दोस्तों, वेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट है, दैट इज डिटॉक्स। और दोस्तों, अगर हम डिटॉक्स की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी है उसमें टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं से आते ही रहते हैं, चाहे फिर वो हमारी फूड हैबिट्स हो, चाहे उसका कारण पॉल्यूशन हो। चाहे पॉल्यूशन को हम नहीं रोक सकते, इसके अलावा वो लोग जो स्मोक करते हैं, वो लोग दवाइयों से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, जो खाने को ज्यादा समय तक प्रेवलेंट रखने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लाते हैं। और ये छोटी छोटी गंदगी, ये टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में आते हैं, तो दोस्तों हमें छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी हो जाती है। ये टॉक्सिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारे लिए मुसीबत क्रिएट करते हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी बॉडी को रोज के रोज साफ करना। और अगर इसके लिए मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप देखें कि जब बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ना सिर्फ हमारी स्किन पे इंपैक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनको तन की दुर्गंध के चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे लोग देखे, आप चैट बॉक्स में यस लिख के मेरे को बता सकते हैं यूट्यूब पे। तो यस, ये कहीं ना कहीं एक निशानी होती है कि हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा है। अब देखते हैं, बहुत से लोगों की स्किन खराब होने लगती है, स्किन सोराइसिस हो जाता है, ये भी एक कारण होता है शरीर में ज्यादा गंदगी होने का। कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ आती है, कारण क्या है, शरीर के अंदर गंदगी है, उस गंदगी से जो महक आ रही है वो बैड ब्रेथ दे रही है। और इनफैक्ट अगर मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो क्योंकि मेरे शरीर में अच्छे अच्छे तत्व नहीं है, मेरे शरीर में अच्छे तत्व तो नहीं है, परंतु मेरे शरीर में इम्यूनिटी कम होने का भी बहुत बड़ा कारण होता है ऐसे ही गंदगियों का शरीर में होना। तो दोस्तों, इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जिनको एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में गंदगी होना। लोगों को स्किन में एक्जिमा हो जाता है, उसका भी कारण शरीर में जहरीले पदार्थों का होना होता है, टॉक्सिन्स का होना होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत से लोग होते हैं जिनको इनडाइजेशन की दिक्कत रहती है, पेट खराब रहते हैं, लीवर के चैलेंजेस रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में टॉक्सिन्स का होना। इसके अलावा लीवर स्पॉट्स की अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोगों के आप देखेंगे हाथ में ऐसे धब्बे धब्बे से हो जाते हैं जैसे लीवर स्पॉट्स, उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में गंदगी का होना। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास शानदार डिटॉक्स प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें हमें 8 नेचुरल हर्ब्स मिलते हैं, जिसमें हमें नीम मिलता है, कुटकी मिलता है, इसके अलावा त्रिफला मिलता है, बापची मिलता है, कालमेघ होता है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं वरुण होता है, इसके अलावा रोहितका होता है और भृंगराज होता है। ये सारे मिलके हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों नीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम जानते हैं कि नीम जो है, नीम एंटी फंगल होता है, जो शरीर में फंगस इकट्ठा होता है उसको मारता है। एंटी बैक्टीरियल होता है नीम, बैक्टीरिया को मारता है, और जो वायरस होता है एंटी वायरल भी होता है नीम, जो बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करता है। इसके अलावा कालमेघ, कालमेघ हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है। त्रिफला की अगर मैं आपसे बात करूं, त्रिफला दोस्तों जो होता है अम्ल की, विविध की, हरत की, 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो हम अरहर, अरहर और बहर बोलते हैं, उससे ये बनता है। ये हमारे ना सिर्फ पाचन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि ये हमारे लीवर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा दोस्तों रोहितका हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जहरीले पदार्थों को रिमूव करता है और मेरे खून को साफ रखने में मदद करता है। कुटकी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करने में मदद करता है और मेरी स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। दोस्तों बापची की अगर मैं आपसे बात करूं, बापची जो है, बापची हमारे से बहुत से लोग होते हैं जिनको स्किन में सोराइसिस, एक्जिमा या विटिलिगो जैसे चैलेंजेस रहते हैं, उन चैलेंजेस को भी दूर करने में बापची मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों जो दो इंग्रेडिएंट इसमें और है, वरुण, वरुणा हमारे बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करता है, और भृंगराज जैसे जिसको बालों का राजा भी कहा जाता है, बालों का राजा, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है और मेरी हेयर ग्रोथ को भी बेटर करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये शानदार प्रोडक्ट अपने ओवरऑल रोज के रोज शरीर से गंदगी निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, अगर हम चाहते हैं अपने खून को प्यूरिफाई करना, अगर हम चाहते हैं मेरा लीवर अच्छे से काम करे, अगर हम चाहते हैं कि मेरी पाचन क्षमता अच्छी रहे, अगर हम चाहते हैं कि मेरे एक्ने और ब्लेमिशेस कम हो, अगर हम चाहते हैं मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन मजबूत हो, हम अगर हम चाहते हैं, आप मेरे को यूट्यूब पे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं मेरे बाल घने और काले रहें, तो उसके लिए हमें इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है और हमें लेना है वेल डिटॉक्स 1 टैबलेट दिन में 2 बार। कौन लोग ले सकते हैं? वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग जो अपने स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, जो अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं, जो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वो सब लोग वेल डिटॉक्स ले सकते हैं। और आप में से कितने लोग डिटॉक्स लेते हैं? और ज्यादा से ज्यादा लोग आप डिटॉक्स लीजिए, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल अपनी हेल्थ को ज्यादा बेटर रखने में। तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार हम इसके ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में वो छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज या टॉक्सिन आते हैं वो दूर रहे, तो उसके लिए दोस्तों हमें लेने हैं ये शानदार प्रोडक्ट्स। तो आइए दोस्तों अब जो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं एक एक करके, अब ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और दोस्तों अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो आइए हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने में मदद करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स इस प्रकार से हैं जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अब। तो दोस्तों सबसे पहले इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना, और खासकर आज के टाइम में जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि आज की डेट में जीतेगा वही, आज की डेट में सुरक्षित वही रहेगा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। उनके लिए दोस्तों ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वो प्रोडक्ट्स आप लोग लिख सकते हैं, नोनी जूस कंसनट्रेट, नोनी टैबलेट, तुलसी, आमला जूस, आमला टैबलेट, गिलोय, च्यवनप्राश एंड स्पायरुलिना। जी हाँ दोस्तों, ये इम्यूनिटी सेंट्रिक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वेल नोनी जूस के बारे में। नोनी जूस कंसंट्रेट जो हमारी मदद करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हमारा जो नोनी जूस है दोस्तों वो हमें नोनी के साथ साथ इसमें कोकम भी पाया जाता है जो ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। नोनी की अगर हम बात करें दोस्तों, नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो विटामिन ए बी सी और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम आयरन फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा बहुत रिच होता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे 0-9 लेवल को बढ़ने में मदद करता है। 0-9 क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी की बहुत सी फंक्शनिंग्स को बेटर करने में 0-9 मदद करता है। नोनी में पावरफुल फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 209 होते हैं जो ओवरऑल हमारी मदद करते हैं अपने सेलुलर हेल्थ को बेटर रखने में। 0-9 हमारे शरीर में जाके एक एंजाइम होता है प्रोजीरोनेज, तो प्रो09 कन्वर्ट हो जाता है 0-9 में और 0-9 हमारा सेल एब्सॉर्ब कर लेता है। जब हमारा सेल मजबूत होता है तो हमारा टिश्यू मजबूत होता है, टिश्यू मजबूत होता है तो हमारा ऑर्गन मजबूत होता है, और हमारा ऑर्गन मजबूत होता है तो हमारा बॉडी हमारा सिस्टम, क्योंकि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, हम अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम अपनी हेयर स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को फाइट करना चाहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना चाहते हैं, जो लोग डायबिटीज है वो अपने डायबिटीज से फाइट करना चाहते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी और स्टेमिना को बेटर रखना चाहते हैं, वो लोग जो अपने सेल्स को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं, इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में सूजन रहती है, वो लोग जिनको इन्फेक्शन रहता है, वो लोग इसके अलावा जो लोगों को हार्ट रिलेटेड दिक्कत है, वो लोग जो अपने डाइजेशन को बेटर रखना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी मेमोरी को बेटर करना चाहते हैं, वो लोग जिनको समय समय पे एलर्जी होती है, इनफैक्ट नोनी में डेमना सेंथोल पाया जाता है दोस्तों जो कैंसर के रिस्क को कम करने में भी मदद करता है। साथ साथ इसमें कोकम भी है जो आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, आपकी बॉल मूवमेंट को प्रॉपर रखता है, आपका वेट मैनेजमेंट को बेटर करता है, और साथ साथ जिन लोगों के हाइपर एसिडिटी रहती है उसको भी कम करने में मदद करता है। नोनी को लेने का तरीका है दोस्तों, नोनी जूस को लेने का तरीका है, आप इसको खाने से 30 मिनट पहले लीजिए, पहले 3 दिन आप इसको ले सकते हैं 5 ml दिन में 2 बार, चौथे से छठे दिन आप इसको ले सकते हैं 10 ml दिन में 2 बार, और 7वें दिन से आप इसको ले सकते हैं 15 से 30 ml दिन में 2 बार। और दोस्तों आप 6 years एंड अबव 6 साल से 12 साल के लोगों को भी, बच्चों को आप नोनी दे सकते हैं ये जो डोजेज मैंने बताई है इसको आधा करके। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद नोनी एज अ फ्रूट के बहुत बड़े एंडोर्सर रहे। अब आइए दोस्तों हम बात करेंगे नोनी टैबलेट के बारे में। जैसे हमने बात करी, नोनी काम करता है सेल्स को रिजुविनेट करने में और जनरल वेलनेस को बढ़ाने में। तो जैसे हमने बात करी हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा बेटर रखने में मदद करता है आपका नोनी। इसके अलावा ये आपके फिजिकल एंड्योरेंस को भी बढ़ाता है, जनरल वीकनेस को कम करता है, ये बहुत रिच होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में, आपके सेलुलर डैमेज को कम करता है, ये आपके सेल्स में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये आपके जॉइंट को हेल्थ को ज्यादा बेटर रखने में मदद करता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, लीवर को भी बेटर करने में ये मदद करता है। और नोनी का जो सत्व होता है, नोनी इतना पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि नोनी होते हैं सैपोनिन्स, हर एक टैबलेट में आपको 20% सैपोनिन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो लोग जो अपने शरीर में अपने माइंड को रिजुविनेट करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिर से खोई हुई शक्ति पाना चाहते हैं और अपने बल्ले को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ले सकते हैं नोनी टैबलेट भी। शानदार 90 टैबलेट्स का पैक आपका अवेलेबल है मात्र ₹500 पे। दोस्तों अब आपकी सहूलियत के हिसाब से दोनों में सेम बेनिफिट्स हैं, आपकी ईज पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हो तो टैबलेट टैबलेट ज्यादा बेटर है, और कुछ लोग जूस नहीं कंज्यूम कर पाते तो वो लोग भी एक टैबलेट के फॉर्म में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। दोस्तों आपसे मैं YouTube पे जानना चाहूंगा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, क्या क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनका मौसम बदलने पे तबीयत खराब होती है, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको श्वास संबंधित रोग रहते हैं, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी जुकाम नजला बहुत कॉमन रहता है, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आपका आंसर है यस, तो उनके लिए हमारे पास शानदार सोल्यूशन है, दैट इज पेरल तुलसी। तो दोस्तों ओवरऑल तुलसी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और दोस्तों हम लोग घर में चाय पीते हैं, चाय पीते हैं तो हम कितनी चाय की पत्ती डालते हैं, हम 4-5 पत्ती डाल लेते हैं, पर वेल की एक टैबलेट आपको देती है तुलसी की लगभग 150 तुलसी के पत्तों का सर। दोस्तों एक शानदार प्रोडक्ट जो कि
एक तुलसी आपको 150 तुलसी के पत्तों को जितना सत्व देती है। और तुलसी इतनी पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि तुलसी का जो सत्व होता है वो होता है अर्सोलिक एसिड। अर्सोलिक एसिड आपके सेल मेम्ब्रेन्स, आपके सेल्स को बढ़ाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली इसमें स्पीशीज यूज है ताकि आपको असली स्पीशीज मिले, और साथ साथ आप ये आपको एलर्जी और सूजन से भी बचाता है। तुलसी दोस्तों एंटीवायरल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटी फंगल होती है। साथ साथ तुलसी अपनी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है और जनरल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को श्वास संबंधित चैलेंजेस होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी चैलेंज होते हैं, सांस की दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए भी शानदार सोल्यूशन है, दैट इज योर तुलसी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिड कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% ग्लूटेन फ्री है और साथ साथ 100% वीगन है, 100% वेजिटेरियन है, 100% वीगन है। वीगन मतलब जो लोग जो जानवर से दूध तक का जो सेवन नहीं करते वो लोग भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको श्वास संबंधित रोग है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको लगातार खांसी रहती है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको इनडाइजेशन की दिक्कत रहती है? तो दोस्तों अगर आपके जानकारी में ऐसे लोग हैं या अगर हम खुद भी हैं तो हम इस तुलसी का सेवन कर सकते हैं। शानदार कीमत 385 रुपीज मात्र में, गेट ओपनर प्रोडक्ट दोस्तों, 60 टैबलेट का आपके पास अवेलेबल है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लोगों को इम्यूनिटी बेटर करने में मदद कर सकते हैं और ओवरऑल भी मदद कर सकते हैं समाज की बेहतरी की तरफ, क्योंकि आज की डेट में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ YouTube लिंक शेयर करें दोस्तों, Zoom पे आप लोगों से शेयर करेंगे कि हो सकता है कि आपका एक नया व्यक्ति को तो कुछ चीजों की जरूरत हो, या वो ये जानकारी लेके जो न्यू आपके टीम में मेंबर्स हैं वो लोग भी आगे बता के अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है आंवला जूस। दोस्तों पिछले 1.5 साल में हमने इतना विटामिन सी सुना कि विटामिन सी रिकमेंडेड था ओवरऑल हेल्थ को भी बेटर रखने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, और ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में लिखा। तो अगले कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जो आपसे बात करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे कि वो पावरफुल प्रोडक्ट्स आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आंवला जूस के बारे में। दोस्तों आंवला जूस जो आपका है वो शिवालिक रेंज की तलहटी से लिया गया आंवला है, जो तराई रीजन है। इसमें नेचुरल सी, विटामिन सी और टैनिन्स पाया जाता है। आपके एक आंवला की जो बोतल होती है दोस्तों वो लगभग आपको इतना फ्रूट जूस आंवला का देता है जो 70 70 आंवला खाने के बाद 70 आंवला में होता है। और दोस्तों जो आंवला तराई रीजन में उगाया जाता है उसमें 3 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है कंपेयर टू आप किसी और एरिया के आंवला से अगर कंपेयर करें। और दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में थर्मली प्रोसेस्ड है, और ये मैंने आपको बताया कि हिमालय की तलहटी में बेस्ट आंवला उगता है। इंश्योर किया जाता है कि कम से कम प्रोसेसिंग हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिले। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिड कलर फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं है, और दोस्तों इसमें आप ध्यान रखते हैं कि आपको वही फायदा मिले जो आपको एक आम आंवला खाने के बाद होता है। तो दोस्तों आपका ये USDA ऑर्गेनिक अप्रूव्ड आंवला है, इंडिया ऑर्गेनिक अप्रूव्ड आई आपका प्रोडक्ट है, APDA अप्रूव्ड है और ISO 22000 सर्टिफिकेशन भी इसमें अवेलेबल है। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी पाचन क्षमता को अच्छा रखना चाहेंगे? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना चाहेंगे? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपने उम्र के बढ़ते हुए पर आपको कम करना चाहेंगे? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी आयरन डेफिशिएंसी को कम करना चाहेंगे? क्योंकि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके भी काम आएगा। अगर मेरे शरीर में विटामिन सी नहीं है तो आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपने लीवर को मजबूत रखना चाहेंगे? तो अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जो लोग स्मोक ड्रिंक और अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, वो लोग जिनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत खराब है, समय से नहीं खाते या जब खाते हैं तो गलत खाते हैं, तो अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं आप उन सब लोगों को ये प्रोडक्ट बता सकते हैं। साथ साथ YouTube लिंक शेयर करें दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ उन लोगों के साथ, ताकि शुरू से सुनते हुए क्या पता आपके वो लोग भी इस बिजनेस को समझे, आपके प्रोडक्ट को समझे और वो भी कंज्यूम करते हुए एक हेल्दी लाइफ जी। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इसको लेने का तरीका क्या है, 15 से 20 ml वेल आंवला जूस, जी हाँ 15 से 20 ml वेल आंवला जूस आप ले सकते हैं एक दिन में विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों आप इसको इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं।
और दोस्तों वही हमारे पास, जो लोग जूस का सेवन नहीं करना चाहते वो अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए वो आंवला ले सकते हैं। तो दोस्तों आंवला के क्या फायदे होते हैं, आंवला में जैसे मैंने आपको बताया टैनिन्स, तो हर एक टैबलेट आपको 30% टैनिन्स देगा ही देगा। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है आंवला, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप ये टैबलेट 100% नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है, आपकी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग से बचाएगा, बालों के लॉस से आंवला बचाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आंवला टैबलेट आपकी मदद कर सकती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में, और जो हमने खाया है उसको ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होने में भी हमारी मदद कर सकती है। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपने रसायना को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बॉडी में बॉडी को रिजुविनेट करना चाहते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी बालों की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपने IQ और मेमोरी क्षमता, याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? शानदार, आपके पास ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ₹185 ओनली दोस्तों ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, जिसका सजेस्टेड यूजेज है। एक आंवला की टैबलेट आपको उतना सत्व देती है जितने आपने 8 आंवला के फ्रूट खाए हो, और एक टैबलेट दिन में 2 बार आप खाने के बाद एक एक टैबलेट इसका सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं स्पाइरुलिना की तरफ, जो सुपर फूड माना जाता है दोस्तों, फूड फॉर द फ्यूचर माना जाता है। स्पाइरुलिना बेसिकली क्या है, स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, काई होती है, जो फ्रेश वाटर बॉडीज में उगाई जाती है। बहुत कम सोर्सेज होते हैं प्लांट्स के जो हमें वाइटामिन देते हैं, उनमें से एक आपका एल्गी होता है। इसमें 60-71% प्रोटीन विद एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, और इसको फूड ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, साथ साथ ये बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है, और ये कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री है। तो और ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना पाउडर है, जो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आपको मिलता है, और ये सर्टिफाइड है USDA नेचुरल एंड ऑर्गेनिक और इको सर्ट। दोस्तों इसका बेसिकली जो थ्री वे एक्शन होता है, थ्री वे एक्शन क्या होता है, ये सबसे पहले फोर्टिफाई करता है जो भी आप खाते हैं, स्पिरुलिना बूस्ट करता है आपके रेजिस्टेंस को और एक्टिवेट करता है बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म को। ये आपके ओवरऑल जो भी आपने खाया है, खाने में जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करने में मदद करता है, साथ साथ बॉडी को क्लींस करने में भी आपका स्पिरुलिना मदद करता है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपकी जानकारी में लोग चाहते हैं उनको गुड सोर्स ऑफ आयरन मिले, आप अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपने बालों और स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, आप स्ट्रेस को फाइट करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपका आंसर है यस, आप डायबिटीज से फाइट करना चाहते हैं, आप एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने विजन को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में कुछ लोगों के सूजन रहती है वो लोग, और इनफैक्ट जो मदर्स दूध पिलाती हैं बच्चों को वो अपना लैक्टेशन अगर इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो वो स्पारुलिना का सेवन कर सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार हम स्पारुलिना का ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे और खुद भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में, जिसको आयुर्वेद का अमृत कहा गया है, और वो प्रोडक्ट है दोस्तों आपका गिलोय, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। गिलोय की अगर मैं आपसे बात करूं, इसको आयुर्वेद में अमृत लिखा गया है, एक ऐसा हर्बल मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है, ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने में मदद करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में मदद करता है। इनफैक्ट दोस्तों आयुष मंत्रालय ने एंटी कोविड प्रोटोकॉल में ये भी कहा था कि काढ़ा, काढ़ा मतलब आप जो हम काढ़ा बनाते हैं, जो हम जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाते हैं, गोल्डन मिल्क, मिल्क मतलब हल्दी का दूध, और गिलोय, ये तीनों चीजों का अगर सेवन करेंगे तो एंटी कोविड प्रोटोकॉल में ये तीनों चीजें बहुत इफेक्टिव पाई गई। तो ये गिलोय आपके पास है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी चैलेंजेस जिनको रहते हैं, श्वास संबंधित रोग जिसको रहते हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको जोड़ों की दिक्कत रहती है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको स्किन की दिक्कत रहती है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको बार बार बुखार रहता है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है? तो उनके लिए शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। इनफैक्ट आपकी प्लेटलेट्स, जिन लोगों की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, उसको बढ़ाने में भी आपका गिलोय मदद करता है। जिन लोगों को एनीमिया रहता है उस केस में भी आपका गिलोय मदद करता है। आपकी जिन लोगों को गाउटी अर्थराइटिस होता है या यूरिक एसिड ज्यादा होता है, उन केसेस में भी गिलोय मदद कर सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। एक टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं, दिन में 2 बार, और इसका जो सत्व है वो है टिनस्पोरा कॉडीफिला, जो 2% आपको मिलता ही मिलता है हर एक टैबलेट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सालों से हम एक प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वेल च्यवनप्राश, जो आपकी बॉडी को में
40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का फायदा पहुंचाता है और आपका सुरक्षा कवच बनता है। दोस्तों आयुर्वेदा आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करने में मदद करता है। हर इंडिविजुअल की बॉडी में वात पित्त कफ तीनों तरीके के दोषों का इम्पैक्ट होता है शरीर पे। ये तीन दोष पांच चीजों से मिला के बने हैं, धरती पानी जल वायु आकाश। तो ये सारी चीजें मिला के बने हैं। और हम अगर इसमें बात करें तो दोस्तों आयुष मंत्रालय ने बोला है कि च्यवनप्राश बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आजकल की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। तो दोस्तों अपनी इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए 40 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें पाए जाते हैं, घी, सीसम ऑयल, आंवला एंड हनी। और आप जानते हैं हम सालों से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम हमारे पास मोदी केयर में अवेलेबल है। दोस्तों इसमें आंवला पाया जाता है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसमें बिल्वा जो बेल जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं वो हमारे पाचन क्षमता को मजबूत रखता है, हार्ट हेल्थ को बेटर रखता है और ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें गुड़ची पाया जाता है, गुड़ची हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है और ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें चंदन एंड इसमें पाया जाता है पुनर्वा, जो बेसिकली जिन लोगों को यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इनको पेशाब संबंधित रोग होते हैं, उन लोगों के लिए चंदन और पुनर्वा बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें इला पाया जाता है, इला जो इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है और बॉडी को माइक्रोब से बचाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसमें भूमि अम्ल की पाई जाती है जो आपको लीवर को मजबूत करने में मदद करती है और साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी बॉडी की मदद करती है। दोस्तों अगर आप ये सब फायदे चाहते हैं तो च्यवनप्राश का रिकमेंडेड यूसेज है 1 चम्मच आप ले सकते हैं लगभग जो 12 ग्राम है दिन में 2 बार, और बच्चों 3 साल से 12 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हैं आधा चम्मच लगभग 6 ग्राम दिन में 2 बार। और इसका सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा इसका तब रहता है जब जब आप इसको लेते हैं दूध के साथ, तो हम दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों यही जो हम इसके बारे में आपसे ये बात ये जानेंगे, तो दोस्तों ये हम जानकारी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी है, सो दैट ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ को बढ़ा सकें बल्कि अपनी फैमिली की हेल्थ को भी हम ज्यादा बेटर रख सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, पर आपको बताना चाहूंगा आज शाम को 5 बजे जूम के इसी चैनल पे हम लोग सेशन करेंगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे, बिगर और वाइटलिटी के बारे में कि किस प्रकार से बिगर और वाइटलिटी को हम बढ़ा सकते हैं और अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम रोज 3 बजे मिलेंगे आजादी की पाठशाला में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा, और आप लोग जो और जानकारी चाहते हैं तो आप लोग सेम जूम लिंक पे दोपहर को शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ सकते। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को बेटर रखेंगे, आप अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे, हेल्थ भी बेटर रखेंगे और ओवरऑल बहुत अच्छे रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। गुड।